एक बार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। आज के समय में जिसे हम मीटिंग कहते हैं, कॉन्फ्रेंस कहते हैं, तो ऊपर भी ये सब होते हैं। महाराज उन्हें कोई ना कोई बात को लेकर मीटिंग करनी पड़ती है, सभी देवी देवता इकट्ठा होते हैं, तो उसे सभा कहते हैं। सभा का आयोजन हुआ, सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब वहां पर पधारे। सभा में एक प्रश्न उठा कि तीन लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, सबसे कीमती वस्तु क्या है। सब अपना अपना मत देते हैं। किसी ने कहा सोना, स्वर्ण, किसी ने कहा हीरा, किसी ने चांदी, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, सबने अपनी अपनी राय दी। वहां ऋषिगण भी बैठे थे। ऋषिगणों ने कहा नहीं, ये सारी चीजें तो बहुतों के पास मिलेगी, यहां भी कितने ऐसे होंगे जिनके पास स्वर्ण इत्यादि होगा ही, है कि नहीं। सोना चांदी थोड़ा बहुत तो होता ही है, और आज नहीं तो कल हो जाएगा, या आज नहीं पहले था। ये ऐसी चीजें जो कभी ना कभी हर किसी के पास मिल ही जाएगी हमें, तो ये इतनी महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। तो देवी देवताओं ने पूछा, आप ही बताइए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। तो ऋषिगणों ने कहा, अगर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कुछ है तो वो है प्रेम। ये हर किसी के पास नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? सब कहेंगे भाई हम तो कई जनों से प्रेम करते हैं, हमारा परिवार है, रिश्तेदार है, मित्र है, वो असली प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम नहीं, स्वार्थ का प्रेम है। उनसे हमारा स्वार्थ है, मान लीजिए वो हमारे अपने हैं, इसीलिए प्यार है। प्रेम हमारे अंदर है, हमारे स्वार्थ में है। मान लीजिए जैसे धन है, हमारे 500 रुपए भी चोरी हो जाए बहुत दुख होता है, होता है कि नहीं? किसी के 500 रुपए, 1000 रुपए अगर चोरी हो जाए आपको बड़ा दुख होगा। अब वही मान लीजिए पड़ोसी के 50,000 चोरी हो जाए, आपको दुख होगा? क्यों? प्रेम तो प्रेम होता है, अगर धन से प्रेम है तो उस धन से भी प्रेम होना चाहिए। स्वार्थ का प्रेम है, हमारा स्वार्थ है उसमें। तो सच्चा प्रेम जल्दी से किसी के पास नहीं मिलता, स्वार्थ का प्रेम होता है। तो देवी देवताओं ने पूछा, तो ये वस्तु किसके पास मिलेगी, कोई एक ऐसा जिसके पास हो। तो कई जन बैठे थे, किसी ने कहा कि भाई हो ना हो ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी के पास तो जरूर होगी, भाई वो रचना का कार्य करते, दुनिया उन्होंने बनाई है। तो बोले नहीं, अब ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में बहुत व्यस्त रहते हैं, ब्रह्माणी के लिए उनके पास समय ही कहां है, तो प्रेम कहां से हो इतना, तो उनके पास भी वो प्रेम नहीं है। नारद जी भी बैठे हुए थे, नारद जी अब विष्णु भगवान के भक्त हैं, उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगणों ने कहा नहीं, वहां भी उतना प्रेम नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर प्रेम की पराकाष्ठा होती तो समय ना समय देखकर विष्णु भगवान भक्तों के पीछे नहीं जाते। मध्य रात्रि में गजेंद्र ने पुकारा, पैदल भाग गए, लक्ष्मी जी को छोड़कर चले गए। अरे प्रेम होता उनके साथ जाते, उन्हें लेकर जाते, पर नहीं, समय ना समय देखकर भक्तों के पीछे दौड़ते हैं, वहां भी वो प्रेम नहीं है। तो सबने कहा आप ही बताइए किसके पास है। बोले अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वो शंकर भगवान और पार्वती माता के पास है। पहली बात तो एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है कि नहीं, और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय पार्वती जी के साथ बिताते हो, कैलाश पर्वत छोड़कर जाते ही नहीं। कोई बहुत जरूरी काम, कभी कुछ ना कुछ हो तो ही निकले, वरना वो तो कैलाश पर्वत से जाते ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा समय वो पार्वती माता के पास बिताते। नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी,
वो विष्णु भगवान के बड़े भक्त हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऋषिगणों ने कहा नहीं, ऐसी ही बात है। अब सब जो सभा में लोग बैठे थे सबको ये बात सही लगी। नारद जी ने कहा अगर मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो? ऋषिगणों ने कहा तब की तब देखी जाएगी। ठीक है, सब चले जाते हैं। अब रोज नारद जी कैलाश पर्वत जाते पर पार्वती माता और महादेव जी को साथ देखकर हाथ मलते मलते वापस आ जाते। ठीक है, एक दिन संयोग अच्छा था, महादेव जी कहीं गए हुए थे, पार्वती माता अकेली थी। नारद जी अंदर जाते हैं, जाकर प्रणाम करते हैं। आते ही नारद जी सबसे पहले क्या कहते हैं, नारद जी कहीं भी जाए सबसे पहले शब्द क्या कहते हैं, वो जोर से कहिए, नारायण नारायण। माता ने कहा आइए नारद जी, आज कैसे आना हुआ? अरे माता, बाबा से मुझे एक जरूरी काम था। कहाँ है वो? बोले वो तो बाहर गए हैं। अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो मुझे कह दीजिए, मैं बाबा से कह दूंगी। नारद जी ने कहा माता, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत माने पर्सनल, थोड़ी पर्सनल बात थी। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई पर्सनल बात नहीं रहती, वो सब मुझे बताते हैं। नारद जी ने कहा मैं नहीं मानता, पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है। घर जाके सबकी क्लास लगने वाली है। माता ने कहा ऐसी बात नहीं है। बोले ऐसी ही बात है, वो कोई भी हो, चाहे वो भगवान हो, साधारण सा मनुष्य हो, पुरुष कोई ना कोई बात स्त्री से जरूर छुपाता है। माता ने कहा नहीं नहीं तो। नारद जी ने कहा आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा ये कौन सी कथा है? बोले ऐसी वैसी, अरे बहुत गोपनीय कथा है, आपने सुनी है? बोले नहीं। बोले बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे ही सुनाते। माता ने कहा तो मुझसे वो प्रेम ही नहीं करते? नारद जी ने कहा अब वो मैं क्या जानू, अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना कि मैं आया था। नारद जी तो अपना काम कर कर चले गए। अब महाराज पार्वती माता के मन में केवल एक ही बात, अमर कथा क्या है, अमर कथा क्या है, मुझे क्यों नहीं सुनाई, ऐसी कौन सी कथा है। अब महादेव जी का आना होता है, रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आव भगत नहीं, द्वार पर कोई लेने नहीं आया। ठीक है, अंदर आ जाते हैं, आकर बैठते हैं, पार्वती माता बैठी हुई है, बात नहीं कर रही, खुद ही बात शुरू करते हैं महादेव जी। देवी गणेश कार्तिक कहाँ है? माता ने कहा गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बैठा के रखूं क्या? महादेव जी ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। ठीक है, फिर थोड़ा शांत हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कहते देवी आपकी तबीयत तो ठीक है? माता ने कहा हाँ, क्यों? बोले आज कुछ भांग नहीं मिली। अरे महाराज, माता तो पहले ही क्रोधित थी और भांग की बात और आ गई है, तो आग में घी डालने के समान हूं। माता कहती है आपको दिन भर भांग घोट कर दो, बड़े बेटे को खीर बना कर दो, छोटे बेटे को लड्डू बना कर दो, इन्हीं चीजों के लिए ब्याह के लाए थे क्या मुझे? अब यहां भोले बाबा पूछ ही लेते हैं, देवी क्या बात है, आप बड़ी नाराज लग रही हैं। माता ने कहा नाराज बाद में कहना, पहले ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। महादेव जी ने कहा ये कोई पूछने की बात है? अरे बहुत प्रेम करते, सबसे ज्यादा प्रेम आपसे करते हैं। तो माता ने कहा फिर ये अमर कथा क्या है? अब महाराज महादेव जी कहते हैं ये अमर कथा के बारे में कैसे पता चल गया? नेत्र बंद करते हैं,
नेत्र बंद करते सब दृश्य सामने आ जाता है। नारद जी का आना हुआ, नारद जी का कहना है, महादेव जी कहते ये ब्राह्मण देवता आते और अपना कोई ना कोई काम करके जाते। महादेव जी पूछते, देवी आज नारद जी आए थे, माता ने कहा ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, आप बताइए ये अमर कथा क्या है और अभी तक मुझे क्यों नहीं सुनाई। महादेव जी ने कहा, देखिए देवी ये बहुत ही गोपनीय कथा है, हर किसी को नहीं सुना सकते, और मैं आपको सुना देता, जरूर सुनाता, लेकिन आप महिलाओं में एक बड़ी बुरी आदत होती है। लेकिन मैं नहीं कह रही, महादेव जी कह रहे हैं, आप मुझे मत कहना बाद में, ये महादेव जी कह रहे हैं कि आप महिलाओं में एक बहुत बुरी आदत होती है। माता ने कहा, कौन सी आदत? बोले, आप कोई बात पेट में नहीं रख सकते। जहां चार महिलाएं मिली नहीं कि सारी बातें बाहर, और ये इतनी गोपनीय कथा है, ये घर किसी को नहीं सुना सकते। माता ने कहा, मैं वादा करती हूं मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझे ये कथा सुनाइए। महादेव जी ने कहा, ठीक है सुनाते हैं। अब कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर जाते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। महादेव जी कथा आरंभ करने वाले हैं, पर आरंभ करने से पहले महादेव जी पहली ताली बजाते हैं। मैंने कहा पहली ताली, आपने तो तालियों की बौछार लगा दी। एक ताली, उन्होंने पहली ताली बजाई। क्यों बजाई? ताली बजाते ही वहां जितने भी जीव जंतु थे वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। क्यों जाने लगे? अब अमर कथा है, नाम से आप समझ सकते हैं अमर कथा, ये कथा सुनने के बाद इंसान अमर हो जाए। हर कोई तो नहीं सुन सकता। तो पहली ताली, अब देखिए ताली का यह महत्व है। हम कई बार कथाओं में जाते हैं, कीर्तनों में जाते हैं, तो जो महाराज जी होते हैं या जो गायक वहां गा रहे होते हैं वो आपसे ताली बजाने को बहुत कहते हैं, है कि नहीं? और आप जितने जो भक्त हैं महाराज, आप सब तो ज्यादा कथाएं सुनते हैं, कीर्तनों में जाते हैं, कोटा के भक्त, कोटा के आसपास के भक्त, यहाँ इतनी कथाएं होती हैं, इतने सत्संग होते हैं, इतने कीर्तन होते हैं, तो आप, मैं तो मानती हूँ कि आप तो हर दिन ही कोई ना कोई कीर्तन में जाते होंगे। तो आपको वो जो गायक होते हैं महाराज जी होते हैं वो ताली बजाने को कहते हैं। कई बार कुछ जन तो बजाते हैं तालियां, कई झुंझला जाते हैं कि भाई बार बार क्या ताली बजाना, सुन रहे ना भजन। तो ताली क्यों बजाने को कहा जाता है? जैसे यहां पर जितने जीव जंतु थे वो कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। अब जब हम कीर्तन में, कथा में जाते हैं, जब ध्यान से सुनते हैं, तो जीव और ब्रह्म यानी आपका और भगवान का मिलन होता है, होता है कि नहीं? ये तीन चार घंटे आप कैसे अपने घर के कार्य, बच्चों के कार्य, पति के कार्य सब छोड़कर सब यहां शांति से बैठे हो कि नहीं? तो इसका मतलब ही आपका भगवान से तीन चार घंटे मिलन होता है। सिर्फ कथा ही नहीं, कीर्तनों में भी आप जाते हैं, वो जब आप भजनों में मग्न होते हैं तो उस समय भी आपका भगवान से मिलन होता है। लेकिन जब मिलन होने वाला होता है ना, तब ये जो मोह माया रूपी जीव जंतु है वो बीच में आ धमकते हैं। जैसे कई बार तो हमारे आसपास ही ऐसे जीव जंतु बैठते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरों को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में पानी लेंगे आप, सुपारी लेंगे आप, सौंफ लेंगे आप, साड़ी बड़ी अच्छी पहनी है, आप कहां रहते हो, कौन सी बस से आए, कल आएंगे आप, अरे कथा तो सुनने दो। तो ये कब पूछते हैं? जब आप शांति से बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो वो भी सोचते हैं भाई पूछते हैं। और जब हम जोर से ताली बजा रहे होते हैं, मग्न होते हैं, तो वो पूछने की हिम्मत नहीं करते।
ये हुए एक जीव जंतु। तो आपके आसपास भी अगर ऐसे बैठे हो तो तालियां जोरदार बजाना, मतलब बैठे हैं। अब सब अपने आसपास वालों को देख रहे हैं कि भाई मैंने तो एक बार भी तुमसे कुछ नहीं पूछा। चलिए, तो ये एक जीव जंतु है। दूसरे होते हैं एक अहंकार। महाराज बड़े बड़े धनपति होते हैं, जो बहुत बड़े पद पे होते हैं, अवसर होते हैं, अपने घर में अपने बच्चे पोते पोती के सामने उन्हें हंसाने के लिए ताली बजाते हुए उन्हें शर्म नहीं आती, लेकिन कथा या कीर्तन में आकर ताली बजाने में उन्हें बड़ी शर्म आती है। वो बड़े एकदम शांति से बैठते हैं, ये अहंकार रूपी जीव जंतु। तो जब ये अहंकार होता है ना, तब भगवान से मिलन नहीं होता। फिर एक अहंकार राजा, एक जीव जंतु आती है नींद। थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ कि नींद आने लगती है, ताली बजाते रहेंगे शरीर में जोश रहता है तो नींद नहीं आती। तो ये सारे मोह माया रूपी जीव जंतु है। तो ताली बजाने से ये भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। पहली ताली बजाई, जीव जंतु चले गए। दूसरी ताली बजाई तो महादेव जी का त्रिशूल, वो तीन बार परिक्रमा कर आ गया कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। तीसरी ताली बजाई तो मंद मंद सुगंधित हवाएं बहने लगी, भक्ति का वातावरण हो गया। अब कथा आरंभ कर रहे हैं, पर महादेव जी कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो तीसरा जीव जंतु होता है, महादेव जी ने कहा, देवी इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने के लिए आती है। निद्रा रानी यानी नींद, परीक्षा लेने के लिए। कैसी परीक्षा? कि अगर थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ, जब तक आप ध्यान से कथा सुन रहे हैं तब तो आपको बड़ा आनंद आएगा, सब समझ में आएगा, सारी बातें समझ में आएगी। जहां ध्यान इधर उधर हुआ के निद्रा रानी अपनी गोद में ले लेती, तो आप ध्यान से सुनो। साथ ही साथ आप मुझे बीच बीच में हम स्वामी हम स्वामी हम स्वामी कहते रहना, मुझे पता रहेगा कि आप जग रही हैं। माता ने कहा ठीक है, कथा आरंभ होती है। अब यहां कथा आरंभ हुई, वहां पर पेड़ के ऊपर एक सुवे का अंडा पड़ा हुआ था। सुवा तो चला गया ताली बजने से, जीव जंतु भाग गए। वो अंडा रखा हुआ था, उसी समय वो अंडा फूट गया। उसमें से एक शूक बालक ने जन्म लिया। अब वो भी बैठा बैठा कथा सुन रहा है। यहां कथा करते 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 महादेव जी भक्ति में लीन हो जाते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं। यहां महादेव जी के नेत्र बंद होते हैं भक्ति में, वहां पार्वती जी के नेत्र बंद होते हैं नींद में। अब थोड़ी देर तक तो पार्वती जी हम स्वामी कर रही थी। अब तोते की सुवा यानी तोता, तोते की एक खासियत होती है, वो कोई शब्द अगर बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। तो माता को उसने बार बार हम स्वामी कहते हुए सुना। यहां माता तो नींद में चली गई, वो शुक बालक कहने लगा हम स्वामी हम स्वामी हम स्वामी। अब ये देखिए, ये भक्ति की चरम सीमा है। महादेव जी को उस शुक बालक की आवाज पार्वती माता की आवाज लग रही है, वो भक्ति में लीन है। पर कोई प्रसंगवश नेत्र खोलते हैं और पूछते हैं, देवी आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। महादेव जी ने उठाते हैं, कहते हैं कर दी ना गड़बड़। माता ने कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, अच्छा आप फिर से सुनाइए, अब मैं नहीं सोऊंगी। महादेव जी ने कहा सुना तो दूं, पर अगर आप सो रही थी तो इतनी देर से हम स्वामी कौन कह रहा था? इधर उधर देखते हैं, नजर ऊपर पड़ती है तो छोटा सा शुक बालक बैठा हुआ है। अब तो महादेव जी क्रोध में त्रिशूल लेकर आगे आगे शुक बालक, पीछे पीछे महादेव जी उसे मारने के लिए। तीन लोग 14 भुवन घूम लेता है, कोई सहायता नहीं कर रहा। महादेव जी से कौन बैर लेवे?
अब जब दैत्यों से संकट हो तो देवताओं के पास जाते हैं, पर देवताओं से ही संकट हो तो किसके पास जाएं? तो ब्राह्मण देवता के पास जाते हैं। शुक बालक पृथ्वी पर आता है और वेदव्यास जी के घर में, वेदव्यास जी के धर्म पत्नी के मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। महादेव जी क्रोध में आते हैं वेदव्यास जी के पास। वेदव्यास जी ने कहा, प्रभु एक तो पहली बार मुझे दर्शन दिया, वो भी इतने क्रोध में। महादेव जी ने कहा, आपके घर में मेरे यहां से एक चोर चोरी कर आया है। चोरी कर आया है? अरे आप तो बिना बोले ही सबको सब कुछ दे देते हो, आपके यहाँ कोई क्या चोरी करेगा? और आप जहां रहते हो वहां चोरी करने के लिए है क्या? भांग, धतूरा, अरे तो खाने की वस्तु चुराई हो तो उसके लिए इतना क्रोध? माँ देव जी ने कहा, नहीं, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुन ली, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी ने कहा, महाराज आप बिल्कुल अपनी नाम की तरह है, भोले भंडारी। महादेव जी ने कहा, क्यों? बोले क्योंकि अगर उसने अमर कथा सुन ली है वो तो अमर हो चुका, आप उसे मार ही नहीं सकते। और मान लीजिए आप सर्वशक्तिमान है, महाकाल है, आपने उसे मार दिया तो वो अमर कथा झूठी हो गई। क्रोध में भगवान के सोचने समझने की भी शक्ति खत्म हो जाती है। हम तो क्या कर बैठे थे? पर महाराज ये बात बहुत, कहते हैं ना, कहने के लिए कहा जाता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, गलत बात है। क्रोध तो आ ही जाता है, वो हाथ में नहीं, क्रोध आ ही जाता है। लेकिन हाँ, ये कर सकते हैं कि जब क्रोध आए तो ऐसा क्या करें कि क्रोध तुरंत चला जाए, इससे हमारे हाथों कोई गलती ना हो। बहुत ही अच्छा तरीका है, काम भी करता है, लेकिन पर जैसे कहूं अगर वैसे करोगे तो ही काम करेगा। तरीका मेरा नहीं है, आप कहोगे भाई छोटी सी बच्ची ऐसे क्या पता, इसने कहा दुनिया देखी हो, लोग कैसे परेशान करते हैं, कितना क्रोध आता है। मैं नहीं कह रही, ये बड़े बड़े संत कहते हैं, जब क्रोध आए राधा नाम का उच्चारण करना चाहिए। किस नाम का? कैसे कहना चाहिए? एक दो बार नहीं, राधे 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 राधे, जब तक क्रोध चला ना जाए। अब ये बताइए, मन में कहना चाहिए? क्रोध कब आता है? जब सामने कोई खड़ा है, झगड़ा हो रहा है, वो कुछ कह रहा है, उसके सामने कहने लग जाए राधे 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 राधे। अब इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपका क्रोध जाएगा, पक्का जाएगा, दूसरा जिसने क्रोध दिलाया है उसे क्रोध आ जाएगा। क्यों? अरे इसे तो मेरी किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब भी क्रोध आए और आपको लगे कि भाई अब तो कुछ हो जाएगा मेरे हाथों, तो बस जोर जोर से कहने लग जाना राधे 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 राधे। क्या कहोगे आप, कहकर दिखाओ, पता तो चले आप कर पाओगे कि नहीं। क्या बात है भाई, ऐसा तो नहीं है कि मैं कथा अच्छी नहीं करी था, वो क्रोध आ रहा है इसलिए आपने इतने अच्छे से राधे राधे कहा। तो महाराज करके देखिए एक बार, अगर आपको असरदार लगे तो दूसरी बार करना। तो राधा नाम का उच्चारण करना चाहिए। महादेव जी ने कहा, ठीक है मैं भूल गया ये बात, मार नहीं सकता पर बंदी तो बना सकता हूं, वो जन्म लेगा मैं उसे बंदी बना लूंगा। वेदव्यास जी ने कहा, अहो भाग्य उसके, अरे वर्षों तपस्या करने के बाद किसी किसी को आपकी एक झलक प्राप्त होती है, इसके ऐसे भाग्य है कि जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में रहेगा। अब ये कोई साधारण बालक तो नहीं है, ये मुझे विश्वास हो गया है। अच्छी बात है,
मैं एक वर्ष की समाधि लेकर यहीं बैठता हूँ, समाधि के बाद मैं उस बालक को लेकर चला जाऊंगा। 9 महीने में बालक हो जाते हैं, उन्होंने फिर भी 1 वर्ष दिया। अब गर्भ के अंदर वो शुक बालक सारी बातें सुन रहा था। उसने कहा, समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, अरे 1 वर्ष की समाधि, 16 वर्ष की समाधि तो मैं लेकर बैठता हूं। और गर्भ के अंदर उस शुक बालक ने 16 वर्षों की समाधि। एक वर्ष पूरे होते हैं, महादेव जी उठते हैं कि लाइए बालक दीजिए। वेद व्यास जी ने कहा, दीजिए दूर की बात, बाहर आना दूर की बात। 1 वर्ष में उसका आकार भी नहीं बढ़ा है। इसमें धर्म पत्नी को बहुत तकलीफ हो रही है, आप उस बालक को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों की बात भगवान भी नहीं टालते, उन्होंने क्षमा कर दिया, वे चले गए। पर फिर भी 15.5 वर्षों तक वो बालक गर्भ के अंदर रहा। पर 15.5 वर्षों बाद जो कठोर तपस्या वो अंदर कर रहा था, उसके कारण वायुमंडल शून्य होने लगा, हाहाकार मचने लगा। सभी देवी देवता विष्णु भगवान के पास जाते, प्रभु अब आप ही कुछ कर सकते। ठाकुर जी नीचे आते हैं, गर्भ के बाहर से उससे बातें कर रहे हैं, अरे बाहर आओ, ये दुनिया बहुत सुंदर है, एक बार बाहर आकर देखो तो सरी। शुक बालक ने कहा, पता है सुंदर है, इसीलिए बाहर नहीं आना है। ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहां आकर लोग आपको भूल जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारे कारण वेद व्यास जी की धर्म पत्नी ब्रह्माणी को तकलीफ हो रही है, ठीक है आ जाऊंगा बाहर, लेकिन एक शर्त है, आप अपनी मोह माया रोक दे। ठाकुर जी ने कहा, मोह माया थोड़ी रुक सकती है, तो बोले तो मैं अंदर ही ठीक हूं। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है मैं एक क्षण में जितना समय होता है उसका जो 100वां हिस्सा होगा, उतने समय के लिए मैं अपनी मोह माया रोक दूंगा। उसने कहा, ठीक है शुक बालक ने, पर मैं जब कहूं तभी रोकिएगा। अब गर्भ के अंदर उसने तैयारी कर ली बाहर निकलने की। यहां पर वो ठाकुर जी से कहता है कि मोह माया रोकिए, और मोह माया रोकते ही गर्भ से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट होते। बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की। इस प्रकार महाराज श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है। ये उनके अवतार की कथा है।